हाउ आर यू? दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर. वेलकम टू माय चैनल. आज की वीडियो में हम डिफरेंट कलर्स के प्ले डो की रेसिपी सीखेंगे. बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, तो चलिए बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी. एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम हाफ कप नमक डालेंगे, हाफ कप पानी डालेंगे. अच्छे से इसको मिक्स करना है. तो ये हमने हाफ कप पानी और हाफ कप नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है. और अभी इसके अंदर हम एक कप मैदा डालेंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे. अभी इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, कोई भी रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है. अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. तो यहां पर हमारा डो हल्का सा सॉफ्ट लग रहा है. अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा और फ्लोर ऐड कर देंगे ताकि इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी आए. यहां पर हमने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है फ्लोर, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. हल्का सा ऑयल लगाकर इसको हम अच्छे से मसलेंगे. इसमें सॉल्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसलिए वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और नॉन टॉक्सिक हमारी क्ले रेडी होगी. बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए. तो ये हमारा क्ले डो तैयार हो गया है. और इसको कलर बनाने के लिए हम फूड कलर का यूज करेंगे. इसको कलर्ड बनाने के लिए हम फूड कलर का यूज करेंगे. और हमने यहाँ पर कुछ पोर्शन लिया है क्ले का. रेड फूड कलर ऐड करेंगे. ये पाउडर कलर है और इसमें जेल कलर भी आप यूज कर सकते हो. यहाँ पर हम पाउडर कलर का यूज कर रहे हैं, रेड कलर. और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे. तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा हमारा पिंक कलर रेडी हो गया है क्ले का. और इसको अभी हम क्लिंग रैप में या किसी भी पॉलिथीन में रैप करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे. ये हमने क्लिंग रैप लिया है और इसमें इसको इस तरीके से हमें रैप कर देना है अच्छे से. और अच्छे से रैप करने के बाद हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेंगे. और ऐसे ही हम दूसरे कलर के क्ले भी रेडी कर लेंगे. थोड़ा सा और पोर्शन लिया है क्ले का और अभी इसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे. ये फूड कलर है
ड्राई फूड कलर। और इसी तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए इवन करेंगे और ये बहुत ही प्यारा हमारा ग्रीन कलर का क्ले तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें पूरे कलर को इवन कर देना है क्ले के अंदर और ये हमारा बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का क्ले तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्लिंग रैप में इसको रैप कर दिया है। इस तरीके से हम दूसरे कलर्स की भी क्ले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चार कलर की क्ले रेडी हो गई। तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से हम क्लिंग रैप में इसको रैप करके या किसी भी प्लास्टिक में रैप करके और एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक। और ये बहुत ही सेफ है, नॉन टॉक्सिक है, बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉपर है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी इजी लगी होगी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और इस क्ले को यूज करके बच्चे बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस तरीके की लीफ बनाना हो तो भी बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से लीफ क्रिएट कर सकते हैं, फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से राउंड ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए लेते आएंगे आगे। और ये हमारा रोज फ्लावर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से इसको बाहर की तरफ लेते हुए सब पेटल्स तैयार कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही सुंदर रोज फ्लावर रेडी हो जाएगा। नीचे से हम इसको कट कर देंगे और
और ये हमारा बहुत ही सुंदर एक रोज फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और लीफ हमने बनाया है, इस तरीके से हम इसको अरेंज करके तो ये बच्चों को एक्टिविटीज इस तरीके से करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेडो से बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हैं घर पर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।